नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं कोल्लाम में हूँ, केरला में कोल्लाम, और ये आपकी स्क्रीन पे क्लॉक टावर 1944 में बना हुआ, काफ़ी पुराना। और ये कोल्लाम का एक ब्रिज के ऊपर हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे, हमें कोल्लाम में एक अच्छा होटल कहाँ मिल सकता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं, पूरा वीडियो देखें, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। और आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप आराम से होटल तक पहुंच सकते हैं, और एक बेहतर ऑप्शन आपके पास यदि आप कोल्लाम में रुकना चाहें तो मैं आपको दे रहा हूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये आप देखिए, जिधर से ये ट्रैफिक आता हुआ हमें दिख रहा है, इधर से हमें आना है, इधर रेलवे स्टेशन है। और इस ब्रिज के ऊपर हम आते हैं तो आगे हम चलेंगे तो ये आपको क्लॉक टावर यहाँ मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस ब्रिज से हम चल के जैसे आए हैं इस रास्ते से, तो आप देखेंगे ये ट्रैफिक आगे बढ़ रहा है, और इधर आप देखेंगे आगे नीचे ट्रैफिक जा रहा है, लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ से आप देखें, ये नीचे उतरने का रास्ता है, बिल्कुल क्लॉक टावर के पास में ही ये नीचे उतरने का रास्ता है। हमें इस रास्ते से नीचे उतर कर इस गली में, इधर ये जो रोड जा रहा है इसमें हमें चलना है। आइए नीचे चलते हैं इस ब्रिज से। जैसे हम इस ब्रिज से उतर के नीचे आए हैं, ये आप देखिए इधर से नीचे उतर के आए हैं, तो हमें इस गली में अंदर चलना है और थोड़ा ही चलना है। आइए इस गली में अंदर तक चलते हैं थोड़ा सा। जैसे आप देखेंगे इस ब्रिज से हम आए हैं इस रास्ते से, तो हमने इतना ही चलना है, बस 50 मीटर 100 मीटर होगा, और ये आगे रास्ता जा रहा है, हमें आगे नहीं बढ़ना है। ये हमारा रूम जहाँ लिखा हुआ है करुणा, यहाँ हमें इसके अंदर जाना है। आइए अंदर चलते हैं, और मैं आपको किसी मैनेजमेंट के साथी से भी बात करा देता हूँ। और अभी हम रिसेप्शन पे आ गए हैं, ये रिसेप्शन पे आए हैं हम लोग। ये आप देखिए करुणा रेजिडेंसी लॉज डॉर्मेट्री, अभी डॉर्मेट्री तो नहीं है, डॉर्मेट्री अभी नहीं है, मेन रोड में। हाँ, करुणा रेजिडेंसी टू लॉज, वन इज करुणा जीपी इन, दैट इज डीलक्स रूम, ओके, नॉर्मल रूम। ये भाई जो है ये इसके रिसेप्शन के ही है, लेकिन ये सामने कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं, ये बैक से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं। कितना कितना रूम है यहाँ पे? 29 रूम है। और एसी है, नॉन एसी है? पूरा नॉन एसी है। और क्या रेंज में है? 800 700 600 1200 में बड़ा रूम, और 1500 में और बड़ा रूम, जो ज़्यादा आदमी के लिए आप रुक सकते हैं। ये भाई हमें बता रहे हैं, लेकिन ये कैमरे के सामने नहीं आ रहे, क्योंकि इनको थोड़ा शर्म आता, और ये बोलते हैं मेरे को हिंदी आता नहीं, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हैं, लेकिन बोलते हैं हिंदी आता नहीं। ठीक है, कोई बात। तो ये रिसेप्शन का हमने आपको दिखाया और रूम का दिखाया, और यहाँ ये देखिए पानी, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर भी है, और पूरा CCTV से कंट्रोल हो रहा है। ओके, नीचे होटल भी है इनका, और ये आप नंबर भी इनका ले सकते हैं यदि आपको बात करना हो। ये ओनर का नंबर है यहाँ का, और ये रिसेप्शन है। और मैं आपको मेरा रूम भी दिखा देता हूँ, बने रहे पूरे वीडियो में। आइए रूम की तरफ चलते हैं, और ये मेरा रूम 14 नंबर। आइए मैं आपको एक रूम का टूर भी करवा देता हूँ। ये देखिए छोटा रूम है, 500 इसका प्राइस है, और सब सुविधाएं जो चाहिए हमें, पंखा है, टेबल है, कुर्सी है, ये सब चीज़ें, ये कांच है, और इधर ये आप देखें तो खिड़की है, और ये अटैच बाथरूम है, ये आप देखें अटैच बाथरूम है, साफ सुथरा है, सफाई अच्छी है। तो ये पूरा रूम था जो हमने आपको दिखाया। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगले वीडियो तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें।
जय हिंद, जय भारत।